सहारनपुर उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ से जुड़े आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों ने नगर निगम में अपनी समस्याओं को लेकर दिया धरना। सहारनपुर उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ से जुड़े आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों ने नगर विकास मंत्री को संबोधित अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम एवं नगर विधायक के माध्यम से प्रेषित किया। ज्ञापन में मंडल महामंत्री बृजमोहन चनालिया ने अवगत कराया कि पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों नगर पालिकाओं आदि में लगभग 72,000 अस्थायी सफाई कर्मचारियों के पद सेवानिवृत्त हो जाने के कारण रिक्त पड़े हुए हैं, जिन पर अस्थायी नियुक्ति न होने के कारण पिछले 12 वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्तमान में 8,000 से 9,000 रुपए प्रति माह वेतन पर विभिन्न कंपनी ठेकेदारों द्वारा सफाई कामगार लेकर नगर निगम नगर पालिका आदि में अस्थायी सफाई कर्मचारियों के समान 8 घंटे प्रतिदिन सफाई कार्य लिया जा रहा है, जिस कारण इन सफाई कामगारों के पास अपनी आय बढ़ाने का समय भी नहीं बच पाता। श्री चनालिया ने बताया कि एक गरीब परिवार का पालन पोषण प्रति माह का खर्च लगभग 30,000 रुपए से अधिक होता है, जिसमें दूध राशन सब्जी बिजली रसोई बच्चों की पढ़ाई कपड़े दवाई आदि निम्न स्तर का ही हो पाता है। प्रदेश उपाध्यक्ष चेतन चैनानी ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन वर्तमान में 40 से 50,000 रुपए है, जो सरकार द्वारा गठित आयोग जिसमें आप जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी सदस्य होते हैं, जो आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए वेतन का निर्धारण करते हैं, ताकि छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने जीवन स्तर को सुधार सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सुनील घाघट, संजय भूम्बक, कमल किशोर चंचल आदि लोग शामिल रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। ब्रजमोहन चनालिया, मंडल महामंत्री उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ शाखा सहारनपुर। सर, बड़े दुख के साथ मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो ठेका कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो तीन श्रेणी के कर्मचारी हैं, एक स्थायी कर्मचारी, एक संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारी। ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो 10,000 के आसपास है, संविदा कर्मचारियों की तनख्वाह 20,000 के आसपास है और स्थायी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो लगभग 50,000 के आसपास है। अब जो 10,000 रुपये कमा रहा है सफाई कर्मचारी, काम वो उतना ही कर रहा है जितना स्थायी कर्मचारी कर रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपये में अपना गुजारा कैसे करे, जबकि एक नॉर्मल सी स्थिति में एक परिवार की जो आय होनी चाहिए वो 30,000 के आसपास होनी चाहिए, जिससे उसका गुजारा हो जाए, दूध पानी दवा राशन पढ़ाई लिखाई सब चीज़ वो 30,000 में कम्प्लीट हो पाती है, वो भी सामान्य स्थिति की। लेकिन हमारा 10,000 का जो कर्मचारी है वो अपना ना तो बच्चों को पढ़ा पा रहा, ना अपना स्वास्थ्य का ध्यान कर पा रहा, ना अपना घर बना पा रहा, ना वो बच्चों की लिखाई पढ़ाई कर पा रहा, और उसका ये समझ लीजिए कि वो अपना वंश खत्म करने पर आ गया है, क्योंकि वो बीमार जल्दी हो रहे और जल्दी उम्र में कमी उम्र में वो मर जा रहे हैं, जिस कारण ये वंश जो है खत्म होने जा रहा सफाई कामगार का। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से जो है वो बार बार निवेदन हम कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है हमें वेतन जो है हमारा वो समान काम समान वेतन कर दे, पक्के नियुक्ति निकाल दे, और इन जो ठेका कर्मचारियों को ठेके पर न लेकर नगर निगम कर्मचारी घोषित कर इन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान कर दे या समान काम समान वेतन। मेरा नाम चेतन कुमार चनियाने, मैं उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ 48-45 रजिस्टर्ड हिंद मजदूर सभा कानपुर, नगर निगम सहारनपुर में ठेके के सफाई कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट सफाई कर्मचारी हो और चाहे हमारे संविदा कर्मचारी हो, नगर निगम सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों का इस कदर शोषण किया जा रहा कि उनकी किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। सफाई कर्मचारी जो ठेके का है उसे इतना कम वेतन दिया जा रहा जिससे उससे भूखे मरने की नौबत आ गई। ये सफाई कर्मचारी, इसमें माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये सुबह 4 बजे उठ के एक नियम इन पे थोप दिया गया बिना मतलब का कि 4 बजे आप आएंगे, सुबह 4 बजे उठ करके ये जाते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर जब वेतन की मांग आती है, जब वेतन की मांग आती है, मैं प्रिंट मीडिया से भी कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि जब वेतन की मांग आती है तो वेतन श्रम कार्यालय के अनुसार जो दिया जाता है वो वास्तव में ठेके कर्मचारी का वेतन है ही नहीं। ठेका कर्मचारी को उसके समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की रिट आधार संख्या 265/9 में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो काम रोज डेली होगा, जैसे सफाई का काम है, हॉस्पिटल का काम है, रेल का काम है, पुलिस का काम है, इसमें ठेका प्रथा होनी ही नहीं चाहिए। परंतु सरकार अपनी
दोगली नीति के कारण उस बात को नजरअंदाज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए ठेका कर्मचारियों को वो वेतन नहीं देना चाह रही जिसके वो हकदार हैं। आज के समय में ठेका कर्मचारी का वेतन 465 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए।